जैसा कि हमें मालूम है अरब कौम बहसियत मजबूरी ये दौलत की फरावानी की वजह से अपनी अय्याशियों की वजह से ये कौम खोखली हो चुकी। खुरासान के इलाके से सियाह झंडे लेकर फौजें आएगी, उनका रुख कोई मोड़ नहीं सकेगा, उनको पीछे फेर नहीं सकेंगे कोई भी, यहां तक कि वो यरूशलम में जाकर झंडे नसब कर दें। एलिया हुजूर के जमाने में यरूशलम को ये हदीस में आता है खुरासान से एक लश्कर उठेगा और अल्लाह उसको फतह अता फरमाएंगे। हदीस में आता है कि मुजाहिदीन लड़ेंगे और इतनी बड़ी जंग होगी। ये यरूशलम था जब हजरत सुलेमान की हुकूमत थी और यहाँ पर माबद सुलेमानी हैकल सुलेमानी पाई, फिर ये यरूशलम ही रहा है तारीख में, यहाँ तक के 70 ईस्वी में जब टाइटस रूमी जनरल ने इसको गिराया, खत्म किया, सेकंड टेम्पल गिरा दिया और यहाँ से यहूदियों को कहा निकल जाओ, यहाँ कोई यहूदी बाकी नहीं रहा, तब बिल्कुल तहबाला बर्बाद कर दिया। उसके कोई 150 साल बाद हेड्रियन, रोमन एम्परर हेड्रियन, उसने फिर दोबारा